दोस्तों मान लो अभी दिसंबर 2020 चल रहा है और इस टाइम पर आपको कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, तो आपने भी स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया और पढ़ते पढ़ते आपको समझ आया कि अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें रिस्क बहुत कम होता है और आप एफडी से बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद आपने सोचा कि यार मैंने भी तो 2-4 दिन पहले 1 लाख रुपए की एफडी करवाई थी, इससे अच्छा है उससे कोई लार्ज कैप स्टॉक बाय कर लेता हूँ, ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और क्या पता किसी दिन करोड़पति भी बन जाऊं। तो आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी वो 1 लाख रुपए की एफडी क्लोज करवा दी और उस 1 लाख रुपए से विप्रो के शेयर्स बाय कर लिए। तो उस टाइम पर विप्रो के एक शेयर की प्राइस चल रही थी लगभग 382 रुपीज। तो आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्राइस बढ़ने लगी और सिर्फ 1 साल बाद ही यानी दिसंबर 2021 में विप्रो ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 739 रुपीज का। मतलब सिर्फ 1 साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। आपने सोचा यार अच्छा है, मैंने एफडी में रखा होता तो 5% भी मुश्किल से मिलता, यहाँ तो सीधा डबल हो गया। अब क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है तो आप अपने स्टॉक को 1 साल में ही सेल नहीं करोगे, आपने तो अगले 4-5 साल या 5-10 साल के लिए बाय किया होगा, तो आप उसके बाद भी उस स्टॉक को होल्ड करोगे और आपने स्टॉक को होल्ड किया। इसी बीच विप्रो की प्राइस गिरने लगी तो आपने सोचा यार शेयर की प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होती रहती है और लार्ज कैप स्टॉक्स तो सेफ होते हैं, तो आपने उस स्टॉक को अभी तक होल्ड किया और आज हालत यह है कि विप्रो की प्राइस वापस 382 रुपीज के आसपास आ गई है। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी 2 साल तक स्टॉक को होल्ड करने के बाद आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वहीं की वहीं है। और सिर्फ विप्रो की ही बात नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल ले लो, बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में उसके स्टॉक ने सिर्फ 0.46% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 2 साल में अप्रॉक्स 10% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर सेफ स्टॉक्स की बात चली रही है तो FMCG सेक्टर को सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है और FMCG सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलिवर, इसने भी पिछले 1 साल में सिर्फ 4.87% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल में टाटा मोटर्स ने -15%, अल्ट्राटेक ने भी -15%, इंफोसिस ने -11%, TCS ने -9% और HDFC बैंक जैसे लार्ज कैप स्टॉक ने भी -9% के रिटर्न्स दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब कुछ शॉकिंग नंबर्स बताऊंगा तो ध्यान से सुनना। अगर मार्केट कैप के बेसिस पर टॉप 50 स्टॉक्स की बात करें तो 50 में से 23 स्टॉक्स ने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर 20,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक के सभी लार्ज कैप स्टॉक की बात करें तो ऐसे टोटल 179 स्टॉक्स हैं जिसमें से 109 स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर 20,000 करोड़ से बड़े सभी लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो ऐसे 229 स्टॉक्स हैं जिसमें से सिर्फ 90 स्टॉक्स ने पिछले 1 साल में एफडी से बेटर रिटर्न्स दिए हैं और 123 तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। मतलब टोटल में से ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं रेदर देन पॉजिटिव। तो जो सब लोग कहते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक सेफ होते हैं, वो सेफ्टी कहां नजर आ रही है? इवन आज से पहले मैं खुद भी यही कहता था कि लार्ज कैप स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स ही देते हैं, बट जो डेटा हमें अभी दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं कह रहा है, तो फिर लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फायदा ही क्या है? और क्यों कहा जाता है कि लार्ज कैप स्टॉक सेफ होते हैं जबकि डेटा ऐसा शो नहीं कर रहा है? तो चलिए अब वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर आप जीरोधा या अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों इन 4 रीजन से लार्ज कैप स्टॉक को सेफ माना जाता है। पहला है, लार्ज कैप स्टॉक्स में फ्रॉड और स्कैम होने के चांसेस कम से कम होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है तो उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है तो उसमें स्कैम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। दूसरा, लार्ज कैप स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स को कहा जाता है जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है, तो क्योंकि ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर चुकी है तो ये काफी स्टेबल और एक्सपीरियंस्ड होती है, जिसकी वजह से अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाए या फिर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी वो कंपनी उसको इजीली सॉल्व करके आगे बढ़ जाती है, जबकि छोटी कंपनी ऐसे केसेस में शट डाउन तक हो सकती है। तीसरा है, लार्ज कैप स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी कम होती है, यानी लार्ज कैप स्टॉक्स की प्राइस ना एकदम से बढ़ती है ना एकदम से गिरती है। जैसे विप्रो का ही एग्जाम्पल लें तो एक दिन में उसकी प्राइस इतनी नहीं गिरी है बल्कि कुछ महीने में गिरी है, और उसके पीछे भी एक जेन्युइन रीजन है, जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से प्राइस कुछ ही दिन में बहुत ज्यादा गिर सकती है।
फोर्थ रीजन है कि लार्ज कैप स्टॉक्स क्योंकि लॉन्ग टर्म से अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, तो चांसेस हैं कि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। भले ही कई बार कुछ टाइम पीरियड तक लार्ज कैप स्टॉक्स एक रेंज में ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर कभी स्टॉक की प्राइस गिर भी जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस रिकवर हो जाएगी, भले ही टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए लार्ज कैप स्टॉक्स को सेफ माना जाता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे लार्ज कैप स्टॉक सेफ हैं। यस बैंक भी लार्ज कैप स्टॉक है, एक टाइम पर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आज अपने ऑल टाइम हाई से 95% डाउन है। मतलब 1 लाख लगाए होते तो वो घटकर 5,000 ही बचे होते। वोडाफोन आइडिया का भी यही हाल है और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक 100% सेफ हैं, तो आपका ये सोचना गलत है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है जिन्हें 3 पॉइंट्स में जानेंगे। इसमें पहली प्रॉब्लम है हाई वैल्यूएशन। अब क्योंकि FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड से लेकर इंडिविजुअल तक हर कोई लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता है, इसलिए अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स जनरली अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से हाई ट्रेड कर रहे होते हैं, और इस वजह से आपको ये स्टॉक्स महंगे मिलते हैं, और फिर जब इनमें करेक्शन होता है तो आप कुछ महीने तक लॉस में रह सकते हैं। दूसरा, अब क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी कम होती है, इसलिए रिबाउंड करने में भी टाइम लेते हैं। मतलब अगर शेयर की प्राइस गिरती है तो रिकवर होने में भी टाइम लगता है, इसलिए आपको एक लंबे टाइम तक लॉस देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पीरियड में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो या तो आपको स्टॉक लॉस में बेचना पड़ेगा या फिर आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में लार्ज कैप स्टॉक्स में मॉडरेट रिस्क होता है। और तीसरा, अब क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं तो उनमें ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से कई बार कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स की प्राइस बहुत लंबे टाइम तक एक रेंज में ही ट्रेड करती है और इन्वेस्टर्स को कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो अगर आप किसी लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इन 4 बातों का ध्यान रखें। पहला, तो आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक में ही इन्वेस्ट करें जिनका प्रॉफिट ग्रो हो रहा हो और साथ ही जिनमें डेट कम हो, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से ज्यादा डेट होता है और अगर कंपनी को लॉस होने लगे तो फिर वो कंपनी ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 साल के लिए करें, क्योंकि जहां मैंने आपको बताया था कि टोटल 229 स्टॉक्स में से पिछले 1 साल में सिर्फ 90 स्टॉक्स ने FD रिटर्न्स को बीट किया है, वहीं अगर 3 साल का डेटा देखें तो ये नंबर 163 है। मतलब ऑलमोस्ट 71% लार्ज कैप स्टॉक्स ने FD रिटर्न्स को बीट किया है, जो कि एक अच्छा नंबर है। तीसरा, अगर आपके इन्वेस्ट करने के बाद शेयर की प्राइस गिर रही है तो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करें कि प्राइस क्यों गिर रही है। हो सकता है कि उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई हो, जैसे टेक स्टॉक्स में हाई अट्रिशन की प्रॉब्लम चल रही है, PVC स्टॉक्स में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज चल रही है। तो अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई है तो फिर ये पता करने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम टेम्परेरी है या परमानेंट, क्योंकि अगर टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम लंबे टाइम तक चलने वाली है तो वहां पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको स्टॉक में बने रहना है या फिर नहीं। और फोर्थ, जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है उसमें इन्वेस्ट करने के बाद उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को जरूर ट्रैक करते रहें, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि कंपनी ग्रो कर रही है या फिर नहीं। अगर एक क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम होता है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार अगर कुछ क्वार्टर तक एक कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है तो वहां पर आपको कंपनी को रिकंसीडर करने की जरूरत है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रख के लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक सेफ भी हैं और FD से बेटर रिटर्न्स भी देते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बार और क्लियर कर देता हूं कि हमारा स्टैंड अभी भी वही है कि लार्ज कैप स्टॉक सेफ हैं एज कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन इतने भी सेफ नहीं है कि उनमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दिया जाए या फिर इन्वेस्ट करने के बाद उनको आप ट्रैक ही ना करें। लार्ज कैप स्टॉक्स में भी रिस्क होता है बट मिड कैप और स्मॉल कैप से कम होता है, और अगर आप हाई वैल्यूएशन में स्टॉक को बाय करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ महीने या साल तक लॉस ही दिखाई दे। इसलिए अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर कम से कम 3 से 4 साल के लिए करें, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।